बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बहुत ही मज़े की शादियों वाली मतंजन तैयार करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और ये मज़ेदार सी मतंजन जो शादियों वाली तैयार करते हैं। आज हम बना रहे हैं शादियों वाली मुतंजन, ठीक है। पानी जो मैंने ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए, ये हमने कुछ और ले लिया, ठीक है। गर्म पानी के अंदर ऐड कर देंगे, ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए, फिर हम उसके बाद जो है चावल ऐड करेंगे। तो हाँ, ये पानी को बॉयल आ चुका है, ठीक है। यह मैंने लिया है कायना चावल, अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया था, ठीक है। अब मैं ये चावल ऐड कर दूँगी। तो हाँ जी, चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। चावलों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है, हाफ कुक करना है हमने इनको। चेक करते हैं, थोड़ा सा भी और इसे पकाएंगे, ठीक है। तो हाँ जी, चावल हमारे जो है वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चावलों का जो पानी है वो छान लेंगे। तो हाँ जी, घी आपने डालना अपनी मर्जी से, ठीक है। ऑयल डालेंगे, ठीक है, मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हाफ कप जो मैंने ऑयल ऐड कर दिया, उसके बाद हम कुछ, ये मेरे पास लौंग है और हरी इलायची है छोटी वाली, ठीक है। तीन से चार मैं ये ऐड कर दूँगी और तीन से चार जो लौंग है ये मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से मुझे खुशबू आ जाने दे। तो हाँ जी, अब मैं चीनी ऐड कर दूँगी, ठीक है। डेढ़ कप मैंने चीनी ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद चीनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हाँ जी, साथ ही हम दूध ऐड कर देंगे, ठीक है। हाफ कप हमने दूध लिया, तो हाफ कप ही हम पानी लेंगे, ठीक है। एक बराबर आपने दोनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। दोनों कम या ज़्यादा लेंगे तो आपने ये जो चावल है ये खराब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसकी चाशनी जो तैयार कर लेंगे। तो हाँ जी, चाशनी हमारी जो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो चावल है वो ऐड कर देंगे। तो हाँ जी, माशाल्लाह से ये देखें, चावल हमारे कितने दानेदार से तैयार हुए हैं। अब हम ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इनको। तो हाँ जी, ये कुछ चीज़ें गरी हैं और ये मेरे पास चिकन, दोनों सब चीज़ें ऐड कर देंगे। साथ ही इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो हाँ जी, ये बादाम थे मैंने गर्म पानी में रख लिए थे, ठीक है। इनका जो छिलका वो मैंने सारा उतार लिया, ठीक है। इनको भी हम ऐड कर देंगे, अपनी मर्जी से जो चीज़ें चाहें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इनको। और ये देखें, जो हमने चाशनी तैयार की थी अभी तक है, इसे हमने अच्छे तरीके से पकाना है, ठीक है। अभी एक और चीज़ है वो हम ऐड करेंगे। वीडियो को अपने पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो हाँ जी, अब मैं चावलों को दम पे रख दूँगी, ठीक है। तो हाँ जी, अब हम चावल चेक करते हैं। तो ये देखें, चावल काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जो कलर है वो ऐड करना है, अपनी मर्जी से जौन सा भी कलर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास है ये ग्रीन कलर, ठीक है। एक है मेरे पास रेड कलर, इसे भी ऐड कर देंगे। ऑरेंज कलर, तो हाँ जी, फिर से मैं इनको दम पे रख दूंगी चावलों को। तो हाँ जी, ये देखे चावल हमारे जो तैयार हो चुके हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ना, ठीक है। माशाल्लाह से ये देखे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है।
तो हाँ जी माशाल्लाह से ये देखें हमारे चावल जो है तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर करना है।